अस्सलामुअलैकुम। आज हम उर्दू व गुलदस्ता सूरजमुखी जो कि जमात पख्तों के लिए है उसमें से जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है तौसीफ़ का ख्वाब। तौसीफ़ का ख्वाब, इसके लिखने वाले, इसके जो राइटर हैं, जो इसके लिखने वाले हैं, उनका नाम है अल्लामा राशिदुल खैरी। अल्लामा राशिदुल खैरी ये तौसीफ़ का ख्वाब लिखने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की और फिर स्कूल से उन्होंने मैट्रिक किया। वो दिल्ली में उन्होंने मुलाज़मत की और अल्लामा राशिदुल खैरी उर्दू के मुमताज़ अदीब थे। उर्दू के मुमताज़ अदीब थे कौन? अल्लामा राशिदुल खैरी, जिनकी तहरीर तौसीफ़ का ख्वाब अभी हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने इसके अंदर, जैसे इसका नाम है तौसीफ़, तौसीफ़ एक औरत का नाम है, उन्होंने औरतों की यानी कि ख़वातीन की इस्तिलाह के लिए बहुत कुछ तहरीर की। बहुत कुछ उन्होंने ख़वातीन की इस्तिलाह के लिए तहरीर किया है, उसी में से अब उन्हीं तहरीर में से एक ये है। अब वो बता रहे हैं इसके अंदर कि तौसीफ़ एक तौसीफ़ जो कि एक करेक्टर का नाम है, वो बिल्कुल आम घराने की एक औरत होती है। उसकी शादी जो होती है वो बड़े ही बहुत ही अमीर कबीर लोगों में होती है। जब वो शादी होकर जाती है तो उसके पास जहेज़ के नाम पे सिर्फ और सिर्फ तरबियत और दीनी तालीम थी और उसके पास कुछ भी नहीं होता। वो अपने घर से तरबियत की गठरी लेकर जाती है और अपने साथ दीन इस्लाम की तरबियत उनके वालिदैन ने उनको कर दी भी होती है, उसको लेकर वो जाती है अपना घर आबाद करने। वो एक आम से घर से निकल के जब जाती है तो दरियाए हगली के किनारे एक अजीम शान कोठी में उसका इस्तकबाल किया जाता है। उस कोठी के इर्द गिर्द सिर्फ सब्जा ही सब्जा है। उस कोठी के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ जो जिसकी कमी हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी उस कोठी के इर्द गिर्द कमी नज़र आए। वो ऐसी अजीम शान कोठी है जिसके अंदर वो औरत जो जिसका नाम तौसीफ़ है जाके रहने लगी। फिर अल्लाह ताला ने उसको औलाद की नेमत से नवाज दिया। उसके पास तो जैसे कोई दुख दर्द उसके करीब से भी ना गुजरा, उसकी ज़िंदगी इस तरीके से गुजर रही है। ज़िंदगी गुजरती रही और वो गुजरते रहे। उन मियाँ बीवी में कभी भी नाराज़गी नहीं हुई, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने वो जो कहती थी उसका शौहर वही करता था। उसको वो बिल्कुल आम शक्ल सूरत की थी और वो एक बादशाह और शहजादे के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको उसकी कब्र बहुत करम ख़ास रखा हुआ था क्योंकि उसके पास जो तरबियत थी वो उसको इस्तेमाल कर रही थी। अब एक दिन क्या होता है कि तौसीफ़ ऐसी चहलकदमी करती हुई, वॉक करती हुई अपनी कोठी से बाहर जाती है तो वहाँ पे रास्ते में वो देखती है कि वो वहाँ पे ना कुछ टूटी फूटी सी एक इमारत उसको नज़र आती है। वो जब उस इमारत को देखती है तो उसको वो जाके ना पूरी तहकीक करती है कि आखिर ये क्या है, तो उसे पता लगता है कि ये मस्जिद है। तो बहुत तकलीफ़ होती है, वो दिल में एक तहैया करके आ रही होती है कि अभी जाती हूँ और अपने शौहर से कहती हूँ कि ये फ़ौरन इसकी तामीर करवाएं, असर नौ उसकी तामीर करवाएं। ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। यहाँ पे गीदड़ वगैरह आके बैठते हैं और उन्होंने अपना मस्कन बना लिया है। नहीं, मैं अभी जाते ही अपने शौहर से कहती हूँ कि फ़ौरन से यहाँ पे तामीराती काम शुरू करवाएं। ये बातें सोचती थी, जब वो वहाँ से निकलती है तो देखती है कि एक झोंपड़ी बनी हुई है। वो जब झोंपड़ी को देखती है तो उसे तजस्सुस होता है कि आखिर इसमें क्या है। जब वो देखती है तो एक औरत गोद में एक छोटा सा बच्चा लिए बैठी रो रही है। वो कहती है कि तुम कौन हो, तुम इस तरीके से क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या मसला है? तो फिर वो औरत हिम्मत करके उसको बताती है। वो औरत कहती है कि मैं यहाँ पे साथ में ही एक ज़मींदार है, उनकी ज़मीनों पे मेरा शौहर काम करता था, मैं भी काम करती थी। मेरे शौहर को कुछ बीमारी लाहक हो गई, उस ज़मींदार ने कुछ उसकी इलाज भी करवाया, दवा दारू वगैरह करवाया, लेकिन उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी, उसका इंतकाल हो गया। अब उस ज़मींदार ने क्या किया कि उस दवा दारू के और कुछ मेरे शौहर ने उनसे कर्ज लिया हुआ था, टोटल 40 रुपये
टोटल 40 रुपए का कर्ज था मुझ पर उस ज़मींदार का, तो उसने मुझसे मांगा। मैंने कहा कि मैं कहाँ से तुम्हें कर्ज़ पूरा करके दूंगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है। उस बच्चे का वो जो बच्चा है उसका नाम है, उस औरत का बच्चा है उसका नाम है कलीम। तो वो कहती है कि मेरा तो कलीम भी बहुत छोटा है, मैं किस तरीके से तुम्हें पूरा करके दूंगी। तो वो ज़मींदार उसके मेरे बेटे को उठा के ले गया। मैंने उसको उसकी बहुत मिन्नत थी कि उसने कहा जिस दिन 40 रुपये पूरे करोगी उस दिन अपने कलीम को ले जाना। अब वो उस दिन से मैं बैठी रो रही हूँ कि कोई मेरी मदद करे। इतने में वो क्या करती है कि तौसीफ़ के कदमों में गिर जाती है और कहती है कि ना आप ना खुदा के लिए मेरी मदद कर दें, मुझे 40 रुपये मुझे दे दें, मैं आपको लौटा दूँगी और ना मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दें। तौसीफ़ को भी बड़ा दुख होता है उसकी बात सुन के, वो चली जाती है। लेकिन होता क्या है कि जब तौसीफ़ यहाँ से अपने घर की तरफ जाती है, अपने शौहर से बात करती है मस्जिद की तामीर की, तो इसी दौरान वो इस वाली बात को भूल जाती है, उसके जहन से निकल जाती है। तो अब मस्जिद की तामीर शुरू होगी, महीने दो में एक मस्जिद बन गई, उसके बाद उसमें नमाजियों ने भी आना शुरू कर दिया, सब काम हो गया। इतने में इसी दौरान तौसीफ एक जो बच्चा है जो ज़मींदार ने 40 रुपए के एवज़ अपने पास रखा हुआ है, वो उसका नाम भी कलीम है और जो तौसीफ का अपना बेटा है उसका नाम भी कलीम है। तो इसी दौरान कलीम जो तौसीफ का बेटा है उसको बुखार होता है और ऐसा बुखार होता है कि दूर दराज से हकीम डॉक्टर आते हैं लेकिन उस पर कोई दवा दारू असर नहीं करता। तौसीफ बहुत परेशान होती है, इतनी वो रोती है कि बस अब मैं क्या करूँ। ये मतलब उसके बच्चे को सब जितने भी बड़े बड़े तबीब थे सब ने कह दिया कि ये मुश्किल है कि ये बच्चा। अब उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था, मियाँ बीवी के लिए सब कुछ, यानी कि कोई मुश्किल कोई परेशानी उस पर नहीं आई, आई तो कितनी बड़ी आजमाइश आ गई, औलाद की आजमाइश आ गई। उसने क्या किया, एक दिन वो बैठी हुई ऐसी रो रही थी रात के दिन के टाइम पे, एक दिन उसको ऐसे ख्याल आया, वो कहती है कि मैंने उस औरत की बातें तो सुन ली थी, उसके भी बेटे का नाम करीम था, वो भी इसी तरीके से उससे बिछड़ा हुआ है जैसे मेरा बेटा बिछड़ने जा रहा है, तो मैंने उसकी मदद नहीं की। वो एकदम से चलती हुई जाती है उस औरत के पास, जब वो जाती है तो औरत सेम ऐसी रो रही होती है। वो उस औरत से कहती है कि तुमने मुझे क्या अपनी कहानी सुनाई थी। वो औरत कहती है कि मैंने कहा था कि मेरे बच्चे को 40 रुपए के एवज ज़मींदार ने अपने पास कैदी बना के रखा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वो दे दें और मैं फिर आपको लौटा दूँगी। वो कहती है कि चलो मेरे साथ ज़मींदार के पास। तौसीफ उस औरत को लेके ज़मींदार के पास जाती है और उसको 40 रुपए देती है और इतने में वो कहती है कि उसके बेटे को बुलाओ। तो वो जैसे ही करीम का नाम पुकारा जाता है तो वो भागता पाता है और अपनी माँ के गले से लटक के रोने लग जाते हैं। उस वक्त उस औरत को अपने बेटे से मिल के एक बहुत ही बड़ी मुद्दत के बाद जब अपने बेटे से मिलती है तो उसको जो खुशी हासिल होती है तो वो तौसीफ़ फील कर रही होती है, महसूस कर रही होती है कि देखो ये कितनी खुश हो रही है और मेरा बेटा चंद दिनों से बीमार है, मेरी ये हालत है, ये कितने अरसे से अपनी माँ से जुदा है। तो वो वापस जब अपने घर आती है और ऐसी रोती हुई वो सो जाती है तो रात के किसी पहर में उसको ख्वाब आता है। ख्वाब के अंदर उसे कोई बुज़ुर्ग कह रहा होता है कि असल जो खुशी थी, असल जो नेकी थी, वो उस दुखी माँ का दुखी दिल था जो कि तुमने आज खुश कर दिया। तो तुमने उसको उसका कलीम मिला दिया, जाओ तुम भी अपने कलीम से जाके मिलो। ये बात जैसे ही वो ख्वाब में सुनती है तो एकदम से वो चौंक के बैठती है और जब वो साथ वाली चारपाई पर नज़र दौड़ाती है तो जो उसका बेटा कलीम था तौसीफ़ का, वो बुखार शदीद बुखार में था और वो अब बिल्कुल पसीने से तर बतर हो चुका था, मतलब अब उसका बुखार टूट चुका था और कलीम बिल्कुल ठीक हो चुका था। तो असल में किसी की अगर आपने मदद करनी है तो वो किसी दुखी इंसानियत की मदद कीजिए। आप किसी मजबूर इंसान की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला आपके बहुत करीब आ जाएगा। अल्लाह से करीब होना है तो उसके बंदों से करीब हो जाइए, उनके दुखों से करीब हो जाइए, अल्लाह खुद ही आपके करीब आ जाएगा। अल्लाह ताला के करीब आने का जो रास्ता है वो हमदर्दी है। अल्लाह ताला बहुत खुश होता है जब उसके मजबूर, बस अल्लाह ताला सबकी मदद करता है ना, अल्लाह ने तो दिया है सब कुछ। तो जब हम अपनी कमाई में से, अपने हलाल कमाई में से हम अपने मजबूर बहन भाइयों की मदद कर देते हैं तो इससे हमारे रिस्क रोज़ी में बरकत होती है, अल्लाह ताला हमसे मज़ीद राज़ी होता है, अल्लाह ताला हमें सबके साथ हमदर्दी का
का सलूक करने की तौफीक अदा करना।